जिसके पास में होता है ये फल वो धनवान बन जाता है। हिंदू धर्म में कुछ पेड़ पौधों में ईश्वर का वास मानकर उनकी पूजा की जाती है। इसमें सबसे ज्यादा पवित्र और शुभ माने जाते हैं तुलसी, नीम, पीपल और बरगद। इन पवित्र और शुभ पेड़ पौधों के अलावा एक ऐसा भी पौधा है जिसे आक या मदार का पौधा कहते हैं। आक के फूल शिव जी के प्रिय फूल माने जाते हैं। ये पूजा पाठ के साथ ही तंत्र मंत्र के लिए भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। मदार का पौधा हो, पत्तियां हो या फूल, इन सभी को ज्योतिष या वास्तु के हिसाब से बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं मदार के पेड़ की पुरानी हो चुकी जड़ या इसका फल सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। जिस किसी के पास में ये फल होता है वो निर्धन से धनवान बन जाता है। आइए जानते हैं कैसे। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार आग के पत्तों पे सफेद चंदन से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर विनायकाय नमः मंत्र का जाप करते हुए कम से कम 11 या 21 पत्ते गणेश जी को चढ़ाने से आर्थिक लाभ मिलता है। कहते हैं कि आग के पत्ते गणेश जी को चढ़ाने से व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता, धनवान बन जाता है, क्योंकि इस पौधे में गणेश जी का वास माना जाता है। इस पौधे की जड़ें अगर ज्यादा पुरानी हो जाती हैं, तो वो गणेश जी का आकार ले लेती हैं। गणेश जी के इस आकार की जड़ को घर में रखकर उसकी श्रद्धा के साथ पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। व्यक्ति सभी विघ्न बाधाओं से दूर रहकर सुख समृद्धि भरा जीवन जीता है। शिव जी को खुश करने के लिए शिवलिंग के ऊपर आग के फूल और पत्ते चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। आग के फूल छोटे छोटे होते हैं और ये गुच्छों में खिलते हैं। ये सफेद या गहरे बैंगनी रंग का होता है। आग का पौधा घर के मेन गेट पे लगाना शुभ माना जाता है। इसे घर के अग्नि कोण यानी कि दक्षिण पूर्व के बीच दक्षिण या उत्तर दिशा में लगाया जाता है। इस पौधे को ऐसे लगाएं कि जब भी आप घर के बाहर निकलें तो आग का पौधा आपके दाहिनी हाथ की तरफ होना चाहिए। इस पौधे को किसी शुभ दिन जैसे पूर्णिमा, एकादशी, सोमवार या मंगलवार को लगाना शुभ फल देता है। शिव जी को अत्यंत प्रिय ये पौधा हमेशा नेगेटिव एनर्जी और बुरी ताकतों से हमें बचाता है। साथ ही इस पौधे से जो ऑक्सीजन निकलती है वो एनवायरनमेंट को फ्रेश रखकर हमारी हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होती है। घर के दरवाजे पे जब तक ये पौधा लगा रहेगा ये आपके घर को हर तरह से परेशानियों से दूर रखेगा। घर के आसपास लगा हुआ आग का पौधा घर के सदस्यों के खिलाफ किए गए किसी भी बुरे प्रभाव या किसी भी काले जादू को दूर रखता है। ये पौधा ज्यादातर तंत्र विद्या में यूज किया जाता है। यही रीजन है कि ये किसी भी तरह के टोटके को दूर करने में भी हेल्प करता है। इसका फल आम के फल की तरह लेकिन छोटे आकार का होता है। इसके फूलों में कपास की तरह सफेद रंग के छोटे छोटे रेशे लगे होते हैं। कहते हैं कि इस कपास की बत्तियां बनाकर शिव जी और गणेश जी के आगे दिया जलाने से व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं। छोटे बच्चों के गले में सफेद मदार की माला पहनाने से उन्हें नजर नहीं लगती और वो बुरी छाया के प्रभाव से भी बचे रहते हैं। सफेद मदार के फूलों को घर में लाकर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक गणेश मंत्र का उच्चारण करते हुए उनकी पूजा करके घर में रखना विशेष फल देने वाला होता है। आग का पौधा सिर्फ पूजा पाठ में ही नहीं हेल्थ के लिए भी बहुत यूजफुल होता है। वीडियो में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से ली गई है, जिसके माध्यम से किसी की धार्मिक या व्यक्तिगत भावना को ठेस पहुंचाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। आप भी अगर मदार के फूल, पत्ते या पौधे की कोई खास बात जानते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स को शेयर करके इसके द्वारा होने वाले लाभ को बताइए। साथ ही ऐसे ही न्यू अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज से जुड़े रहिए। धन्यवाद।